हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ रात को बहुत लेट, और आज हमारे घर पे आए हैं गेस्ट। मतलब ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन तो नहीं है, पर ये है कि आगे बहुत सारे स्पेशल ओकेजन होने वाले हैं, तो उसी की कुछ बातचीत वगैरह तैयारियाँ वगैरह शुरू हो गई है, तो उसी के लिए गेस्ट आए हैं। और गेस्ट में है मतलब मीटिंग करने तो मेरी बुआ आई है और मेरे मामा लोग आए हैं, है ना। मेरी बुआ की तरफ मैंने कैमरा नहीं किया, फिर भी बुआ हाथ हिला रही है, ठीक है। तो और जब भी बुआ के सामने कैमरा खुलता है, ये मेरी मामी है, मेरी बड़ी वाली मामी। अब बुआ देखना, हाँ डांस वाली मामी। अब मामी मुझे डांस सिखाने आई है। यही रहता मामी के पास। और डांस नहीं सिखाओगे क्या? क्यों सिखाती है? एक बार दिखा तो दो क्या है इस डांस में। अरे दिखा तो दो क्या है ऐसा जो गाइस नहीं देख सकते। और सृष्टि और ये गाइस है सृष्टि। कल हमने पता है बुआ को बहुत पागल बनाया। बता कल का इंसिडेंट बता। पागल क्या बनाया? अभी बताऊंगी कल का इंसिडेंट। एक हुआ बुआ को पागल बनाया इसने। फोन में? हाँ फोन में। गाइस ये है किड्स गैंग। तो ये है मेरे मामा का बेटा वरुण, और ये पूरब, है ना। और ये शाल भाई ओपी। और एक न्यूज है जो तवा में डांस करता है। न्यूज ये है कि इन दोनों को सेम कॉलेज में एडमिशन मिल गया। यही तो सस्पेंस था। तो ये दोनों अब एक कॉलेज में जाएंगे। कैसे जाएंगे वो नहीं पता, कैसे जाएंगे वो नहीं पता। हम तो सोच रहे दोनों को साथ में एक रूम दिलवा देते हैं। जाएंगे क्या? पैरों से जाएंगे? और नहीं तो तू अपने घर से जाएगा। तो मैं अपने घर से जाऊंगा। तू अपने घर से क्यों? तुम तो बोल रहे थे हम वो ले लेंगे क्या हॉस्टल। ये दोनों गए कौन से कॉलेज में बता दूं? कॉलेज बता दूं। पूरा इतना भाव मत कर, भाव मत खा। इतनी तूने पढ़ाई भी नहीं करी। चाचा बताएंगे। ये बताओ इन दोनों को कौन सा कॉलेज में एडमिशन मिला है? क्या? अरे नाम क्या है कॉलेज का? ये तो नाम है। एक सेकंड, पूरा चाचा से कॉलेज का नाम पूछ। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म बताओ। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। मम्मी कितना बोल रही? मम्मी एक सेकंड, क्या नाम है? दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। क्या यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी है। क्या नाम है कॉलेज का? ये कॉलेज जो है पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। चाचा एक्स डीन है कॉलेज के। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, जैसे IIT है ना। तो ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। अब ये दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तुम्हें IIT तो तुम्हारे पास आई, तो ये वो ले गए। अरे ऑटोनॉमस है, दिल्ली गवर्नमेंट में नहीं है, ऑटोनॉमस है ये। ऑटोनॉमस है, सेंट्रल का ऑटोनॉमस है। अब जैसे NSUT ऑटोनॉमस है, DTU का नाम फुल फॉर्म बताओ क्या है? तू बता, नहीं ये बताएगा पूरा। DTU का फुल फॉर्म बता, फुल फॉर्म बता। DTA से DTU तक। DTA से DTU पूरा नाम बता दो कॉलेज का फुल फॉर्म। एडमिशन हो गया इनको, कॉलेज का नाम ही नहीं पता। यही तो है। नहीं क्या फिर? विशाल बताएगा। दिल्ली टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इन्होंने बोला दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, मतलब एडमिशन हो गया। और वीडियो का फुल फॉर्म बता। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इसको पता है भाई, टॉप ब्रांच में। या तू करके दिखाएगा तौबा तौबा। मेरे को मेहंदी के लिए सीखना है। क्यों करूँ दूर? पहली बार आई थी तो बुआ तब भी हुई थी, दूसरी बार आ रही तब भी हुई है। तुम हटा दो एक बार हटा दो फिर एक बार हटा दोगे फिर मैं नहीं नेचुरल में रहूंगी ना। ओह माय गॉड, अभी क्या प्लास्टिक सर्जरी करा के बैठे हो क्या? नहीं, अभी जब मैं क्या बोलते हैं उसमें
क्या कर, क्या कर, क्या मत कर। कल पता है ना बुआ ने क्या बोला था? हाँ भाई, कल उसने क्या, बुआ ने क्या बोल दिया सिस्टी को? रोने लग गई बेचारी सिस्टी। क्या बोल दिया? कुछ नहीं बोला। बोला क्या हुआ? बप्पू ही फोन करके मेरे को डेली डेली, मतलब कभी भी दो दिन बाद आकर विशाल ने कहा मम्मी तुम्हारी भतीजी, तुम्हारी लाडली भतीजी का फोन आया। कह रहा किसके आया? मैंने कहा बप्पू का। कह रहा बात इसका आम था। और ये रोने लग गई, रोने लग गई। हमने बुआ पे प्रैंक किया सच्ची में। अरे जा तो खिला दे मैं। हां इधर को दे दे। मैं खाती नहीं। तो गाइज अभी डिनर आ चुका है, पनीर मटर पनीर और कोफ्ते। कोफ्ते चाची ने बनाए, ये मम्मी ने बनाया है, और ये रोटी। वो आपने क्या किया है? वो क्या किया है? खाने के लिए आई है। नहीं बुआ वो बनाएगी। क्या बनाओगे बुआ? भिंडी। बुआ ये बोल रही थी तुमने वो बनाई थी बहुत अच्छी कुरकुरी भिंडी। किसने बोला? बुआ, बुआ ये बोल रही थी बुआ बहुत अच्छी कुरकुरी भिंडी बनाती है। कहाँ? कल बनानी पड़ेगी अब। गाइस यहाँ पे सारे बच्चे बैठ गए खाना खाने। और पीरू बोल रही है कि ये रोटी मामी ने बनाई है। पीरू को कैसे पता चला? पीरू बताइए। ये चाची की है। अच्छा ये चाची की है। मामी की रोटी होती है वो छोटी छोटी, इतनी सी होती है मामी की रोटी। चाची की रोटी हम बचपन से खाते आ रहे हैं, चाची की रोटी का पता चला। पहले तेरी मम्मी बनाती थी ना रोटी? गाइस मैं तो विशाल भाई ने आते ही मुझे तवा तवा सिखा दिया है विद इन 2 मिनट्स ओनली। कैसे कैसे करने पे? चल अब तो तू हमें तो करके दिखा। अब यार दिखा यार, करके दिखा यार। यहाँ पे वी भाई ने कुछ तो जामुन का जूस ऐसा बनाया जो कि यहाँ पे जो बैठी ऑडियंस है उन्होंने बोल दिया बहुत बेकार हो रहा है। गंदा ही है भाई, भाई ऐसा वैसे चावल बहुत गंदा तरीके से सड़ गया है। तो गाइस अभी रात के 1:30 बजने वाले हैं और बस हम सब सो रहे हैं। तो बस फिलहाल के लिए हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाय। अरे कर।